बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है सफ़ेद बालों को काला करने का तरीका। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इजी और आसान और बेशुमार दफ़ा इस्तेमाल की हुई नुस्खा लेकर हाजिर हूँ, जिसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपके सफ़ेद बाल काले स्याह हो जाएंगे। अगर आपको उम्र से पहले दिमाग की कमज़ोरी की वजह से बाल सफ़ेद आ चुके हैं या उम्र के साथ साथ बालों का सफ़ेद आना शुरू हो गया है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए वो है सरसों का तेल एक प्याली, इसको हल्की आँच पर पकने दें, दो मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद आपने तकरीबन दो चम्मच अखरोट के छिलके इसमें डाल देने हैं और दो मिनट के लिए फिर पकने दें। इसके बाद आपने इसमें आंवला का पाउडर आपने एक चम्मच डालना है और अच्छी तरह हिला लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर बरहमी बूटी, इसको ग्राइंड करके इसका एक चम्मच, बरहमी बूटी का एक चम्मच आपने इसमें डालना है और अच्छी तरह इसको पकाकर नीचे उतार लें। और ठंडा होने के बाद इसको आपने छान लेना है, पुन लेना है और जो फासद मादे हैं उसको ज़ाया कर देना है। और जो तेल होगा उसे किसी साफ शीशी या डब्बी में आप बंद करके रख लें, महफूज करके रख लें। इस्तेमाल करने का तरीका, इस ऑयल को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि बालों की जड़ों से लेकर फुल बालों तक आपने इसकी मालिश करनी है। तकरीबन 5 मिनट मालिश आप सर की इसकी करनी है आपने। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको औरत और मर्द दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं है। इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आपके बाल उम्र के हिसाब से आपके बाल सफ़ेद आ चुके हैं या दिमाग की कमज़ोरी की वजह से उम्र से पहले बाल सफ़ेद आ चुके हैं, तब भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।